को कहा कि हम लिबरल हो जाएंगे और इसमें एक दो ये गाड़ियां हिमाचल में रजिस्टर हों उसके हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं। वो जो बस खरीदते हैं, नई बस लाते हैं या पुरानी बस का रूट ट्रांसफ़र करते हैं, उसको यथावत जो है उसी वैसे ही लागू रखा जाएगा। तो मुख्य मानदंड ये थे। थर्डली उनका ये दलील थी कि HP 02 जो है नहीं हो पा रही है, उनका टैक्स नहीं जमा हो पा रहा है या टैक्स इतना ज़्यादा है उसको पे नहीं किया जा सकता है। तो हमने उनको कहा कि हम लिबरल हो जाएंगे और इसमें एक दो ये गाड़ियां हिमाचल में रजिस्टर हों उसके हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं, क्योंकि नहीं तो सारी कोई चंडीगढ़ में रजिस्टर हो रही है, कोई दिल्ली में रजिस्टर हो रही है, बाहर की स्टेटों में रजिस्टर हो रही है, लंबे अरसे से ये इशू चला हुआ है। तो इसको हमने सुझाया है कि और उसका टैक्स स्ट्रक्चर जो है थोड़ा लिबरल किया है। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के तो जो भी मसले थे मुझे लगता है कि वो सेटिस्फाइड गए होंगे, और ये तो हम जितनी HRTC की बसें चलाते हैं उतनी ही प्राइवेट बसें हिमाचल में चलती हैं, लगभग 50-50 के बेसिस पे ही बसें चल रही हैं। और अब तो आपने उनको बताया कि हम 107 रूट दे रहे हैं, नए 200 रूटों पे चलेंगे, 107 नए रूट्स हमने कैबिनेट से कर दिए हैं, 100 टेम्पो ट्रैवलर भी हमने चलाने के फैसला कर दिया, उनके रूट्स भी बहुत जल्दी तय कर दिए जाएंगे। तो जहाँ कोई रूट्स नहीं है वहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर्स चलाने का अभी फैसला हमने किया है। तो ये सारी बातें उनके साथ शेयर हो गई हैं। कुछ बसेस की बॉडीज बाहर से बन के आती हैं, उस पर टैक्सेशन ज़्यादा का लगाने की बात थी, वो भी हम उनकी मांगे काफ़ी जेन्युइन थी और हम उन पर उनको सुटा रहे हैं। सर किराया बढ़ाने की भी बात कर रहे थे। देखिए किराया उन्होंने लॉजिक दिया कि जब बस जो है 10 लाख थी तब भी यही किराया था, जब डीजल 40 रुपये था और आज 88 रुपये है तो भी ये सेम किराया है। लेकिन जो है ये मसला जो है ये तो फैसला मंत्रिमंडल ही कर सकते हैं, और पहले भी बढ़ाया गया, भाजपा राज में बढ़ाया गया था, फिर उनको रोल डाउन करना पड़ा, तो इस पे तो हमारा कोई एश्योरेंस नहीं था। लेकिन बाकी जो भी बसों के फॉर्मूलेशन को लेके, बसें लाने को लेके, बसें खरीदने को लेके, टैक्सीज को लेके और उनके परमिट्स को लेके, वो सारे मसले जो है हल हो गए हैं।